सावधारी क्या? अच्छा सावधारी क्या? तो आज हम एक्सरसाइज 10.2 का इंट्रोडक्शन स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब 10.2 का इंट्रोडक्शन में सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? अच्छा, आवाज़ कट कट क्या रही क्या? अच्छा, समीर तेरे को आवाज़ साफ सुनाई दे रही क्या? ठीक है, तो अब देखो हम 10.2 का इंट्रोडक्शन कर रहे हैं, तो इसमें सबसे पहला है एडिशन ऑफ ए फैक्टर, ठीक है। अब क्वेश्चंस में इसका कोई भी यूज़ नहीं है, ठीक है, इससे एक भी क्वेश्चन नहीं है, लेकिन इसमें 10.2 में एक टॉपिक है कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर। वो समझने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एडिशन ऑफ ए वेक्टर का जो ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन है वो समझना पड़ेगा। अगर आपने एडिशन ऑफ वेक्टर का ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन समझ लिया, तो कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर जो इसका सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो एडिशन ऑफ ए वेक्टर, अब देखो एडिशन ऑफ ए वेक्टर मैं आपको क्या ही बताऊं कि ये कितना इजी है। अगर मैं आपको पूछूं कि 2 + 3 कितने होते हैं, तो आप क्या बताओगे? 2 + 3 कितने होते हैं? 5 होते हैं, ठीक है ना। तो कुछ ऐसा ही इजी टॉपिक ये है। अब एडिशन ऑफ ए वेक्टर, इसमें हम मेनली 2 लॉज हैं वो पढ़ेंगे। तो पहला जो लॉ है वो कौन सा होता है? ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, और सेकंड जो है वो है पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। इनके आपको ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन वो समझने हैं। अब दोनों बहुत ही इजी हैं। अब देखो आज पहला हम पढ़ रहे हैं कौन सा, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है। अब देखो इस लॉ के अंडर हम वेक्टर का एडिशन कैसे कर रहे हैं। तो मैं कोई भी 2 वेक्टर ले रहा हूँ, लेट ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, बी एनी 2 वेक्टर, ठीक है। तो ए वेक्टर और बी वेक्टर दो कोई 2 वेक्टर हैं, जैसे ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, ठीक है। अब ये बताओ कि वेक्टर आपको क्या बताता है? जैसे हमने देखा था यहाँ पे, देखो ये एक वेक्टर है, ठीक है, ए बी, और ये 3 यूनिट है। अब ये बताओ वेक्टर क्या बताता है हमें, ए से हम कहाँ पे पहुँच रहे हैं? बी से। तो ए से बी में पहुँचना डिस्प्लेसमेंट होता नहीं होता? बताओ, ए से बी पे पहुँचना। तो मेनली हमें क्या बताता है, वेक्टर सोज डिस्प्लेसमेंट, ये हमें डिस्प्लेसमेंट बताते हैं, ठीक है। तो देखो इस बात को आप साइड में भी लिख लेना और यहाँ पे भी ब्रैकेट लगा के लिख लेना, ए वेक्टर ए बी सोज सिंपली सिंपली सोज डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ए टू बी। ए से बी तक जाने में वेक्टर कितना डिस्प्लेस हुआ है, ठीक है ना, वो हम कौन शो करता है? वेक्टर। आइए बस सबको समझ में, ये बताओ ये बात समझ आएगी आपको। अब देखो ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन कैसे यूज़ करेंगे। तो देखो ए वेक्टर और बी वेक्टर इन दोनों में देख रहे हैं हम, ठीक है ना, ये तो एक्स्ट्रा में था। बाय यूजिंग द
कंसेप्ट ऑफ फ्री वेक्टर्स। अब बताओ फ्री वेक्टर्स के कंसेप्ट से मैं ए वेक्टर को तो ये लिख रहा हूँ और बी वेक्टर ये है, तो ऐसे बना सकता हूँ क्या मैं? अब इसको आप नेमिंग दे दो ए बी सी। अब देखो वो क्या रहा है, हम ए से चले बी तक पहुँच गए, फिर बी से चले सी तक पहुँच गए। अब एक तो क्या है कि ये इस तरीके से चल रहे हैं, और दूसरा तरीका क्या है हमारे पास कि मैं ए से डायरेक्ट सी तक पहुँच सकता हूँ। अब इसकी डायरेक्शन दिखा देना आप, ये यहाँ पे अब दो है कि वो एक तो इस रास्ते जा रहा है ए से बी, बी से सी, ठीक है, और एक सीधा ए से सी पहुंचना, तो दोनों को किस पे है, सी पॉइंट पे। बात समझ आ रही है आपको? बताओ तो देखो ये देखो, वी ट्रेवल फ्रॉम ए, हम ए से चलना स्टार्ट हो गए एंड देन फ्रॉम बी, हम ए से चलना स्टार्ट हुए, उसके बाद में बी से चलना स्टार्ट हुए, ठीक है ना, एंड फाइनली रीच एट पॉइंट सी, और फिर हम सी पे पहुंच गए फाइनली। सो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितनी है बताओ? डिस्प्लेसमेंट तो ए से सी तक पहुंच गए, टोटल डिस्प्लेसमेंट कितनी हो गई? ए बी वेक्टर प्लस में बी सी वेक्टर, ए से बी, बी से सी, ये होगी नहीं होगी बताओ? है ना, तो ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई। अब एक तो तरीका ये है कि आप, ठीक है ना, इस डायग्राम के जस्ट नीचे आप ये भी लिख लेना, ए बी वेक्टर को हम क्या लिख सकते हैं, ए वेक्टर, एंड बी सी वेक्टर को हम क्या लिख रहे हैं, क्या? अच्छा, एक सेकेंड, अब आ गया क्या? अब दिख रहा है ना आपको, ए बी वेक्टर को हम ए वेक्टर लिख रहे हैं और बी सी वेक्टर को हम बी वेक्टर लिख रहे हैं, ठीक है। अब देखो, अब एक तो तरीका ये था कि मैं ए से बी तक गया, बी से सी तक गया, अब दूसरा तरीका क्या हो सकता है, मैं ए से सीधा कहाँ तक चला गया, सी तक चला गया, ठीक है। अब देखो ना, वी स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट ए एंड रीच एट पॉइंट सी, ठीक है ना, मैं ए से चला और सी पे पहुंच गया। सो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितनी बताओ, कितनी है टोटल डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई बताओ? ए से चले सी तक पहुंच गए, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट ए सी होगी नहीं होगी बताओ? ए से सी ए सी तो होगी ना, तो ए सी वेक्टर, और ये इक्वेशन नंबर सेकंड। अब एक बार देखो कि दोनों दोनों पर्सन ने यहाँ से चलना स्टार्ट करे, ठीक है ना, और वो सेम पॉइंट पे पहुंच रहे हैं, ठीक है ना, तो देखो सिंस बोथ पर्सन रीच एट सेम पॉइंट, दोनों पर्सन क्या हो रहे हैं, एक सेम पॉइंट पे पहुंच रहे हैं, सो डिस्प्लेसमेंट
बहुत पर्सन। विल बी सेम। डिस्प्लेसमेंट क्या है कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे पहुंचना है मेरे को बस, ठीक है ना। अब वो बीच में कितनी डिस्टेंस वो वगैरह में नहीं देखनी है। सो बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट ए बी वेक्टर प्लस में बी सी वेक्टर इज इक्वल टू ए सी वेक्टर, या फिर मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, ए वेक्टर प्लस में स्मॉल बी वेक्टर इज इक्वल टू ए सी वेक्टर। ठीक है, देखो आप डायरेक्ट इसको लिख सकते हो क्या, ए वेक्टर प्लस में बी वेक्टर। तो बात समझ में आई कि मैंने ये चीज़ कैसे लिखी है, ये वाली चीज़। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, जैसे ए से चले हम, ठीक है, चल रहे हैं और बी तक पहुंच गए हम, ठीक है। ये जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक ही तो चले हम, तो ये डिस्प्लेसमेंट होगी। आप यहाँ से चल रहे हो, ठीक है, और आपको पहुँचना कहाँ पे, यहाँ पे पहुँचना है, तो ये ए से सी तक पहुँच रहे हैं, चाहे आप इस रास्ते से जाओ चाहे इस रास्ते से, पहुँचना आपको सी पॉइंट पे है, तो दोनों की जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या होगी, सेम होगी। हाँ है ना। अब देखो इसमें इनके दो स्पेशल केसेस हैं, वो डिस्कस करेंगे अब हम, ठीक है। तो इतना नोट कर लिया गया अपने यहाँ तक। यहाँ तक नोट कर लिया आपने, ठीक है। अब देखो स्पेशल केसेस देखते हैं इसके, हम स्पेशल केस। स्पेशल केस, तो केस वन, अब स्पेशल केस में फर्स्ट केस देखो इसका, ये कि ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ए बी ये सी, ठीक है ना। अब क्या ले रहे हैं, बी वेक्टर का नेगेटिव, तो ये पॉइंट डी हो गया, ये माइनस बी वेक्टर हो गया, और इसकी डायरेक्शन ये हो गई, ठीक है, और इसकी डायरेक्शन ये हो गई। तो केस फर्स्ट में क्या क्या करेंगे हम, टेक नेगेटिव ऑफ बी वेक्टर, दैट इज बी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस का बी वेक्टर, ठीक है। बी वेक्टर का आपको क्या लेना है, नेगेटिव लेना है, ठीक है। नाउ देखो क्या हो जाएगा, वी स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट ए एंड देन पॉइंट बी, हम पहले ए से बी तक गए और बी से डी तक आ रहे हैं, ठीक है ना। देन पॉइंट बी एंड फाइनली रीच एट पॉइंट डी। सो टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी वैक्टर प्लस में बी डी वैक्टर, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर वन। एंड नाउ वी स्टार्ट फ्रॉम
पॉइंट ए एंड, अब बताओ ए से चले हम और सीधा कहाँ तक पहुँच जाएंगे हम, डी तक, एंड रीच एट पॉइंट डी। सो टोटल डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू ए डी वैक्टर, ये इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब बताओ दोनों की डिस्प्लेसमेंट सेम है कि नहीं है, बताओ डिस्प्लेसमेंट सेम है कि नहीं। सो फ्रॉम इक्वेशन वन एंड इक्वेशन टू, ए बी वैक्टर प्लस में बी डी वैक्टर इज इक्वल टू ए डी वैक्टर, और हम इसको क्या ले सकते हैं, ए बी वैक्टर क्या है, ए वैक्टर प्लस बी डी वैक्टर कितना है, माइनस का बी वैक्टर है इज इक्वल टू ए डी वैक्टर। तो ये हो जाएगा ए वैक्टर माइनस में बी वैक्टर इज इक्वल टू ए डी वैक्टर। तो आप इसको क्या लिख सकते हो डायरेक्ट, ए वैक्टर माइनस में बी वैक्टर। तो पहला केस आपको समझ में आया क्या, फर्स्ट केस? नोट कर लिया इसको, ठीक है फटाफट करो उसको नोट, फिर इसका सेकंड केस है वो करते हैं। अब ये जो ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन है ये आपको हेल्प करेंगे कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर को समझने में, ठीक है ना, और वहाँ पे ही हम सीखेंगे वेक्टर का एडिशन कैसे करते हैं और सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं। लिखिएगा इसको, देखो केस सेकंड देखते हैं इसका। केस सेकंड अब देखो क्या क्या होगा, हम ए से चले बी तक, ठीक है, ए वेक्टर, और बी से चले सी तक बी वेक्टर, ठीक है। फिर हम क्या कर रहे हैं, ए से आ रहे हैं सी से आ रहे हैं, किसकी तरफ, ए की तरफ। अब बताओ डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, कितना होगा बताओ, कितना होगा, कितना, डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा हूं, टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ इसमें, कैसे हो गया, मैं ए से चला बी तक प्लस में सी से चला मैं ए तक, मतलब ए से चला मैं और वापस ए पे आ गया। अब ये आपको पता है कि आपने जीरो वेक्टर पढ़ा होगा, ठीक है ना, जिसका इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट एक ही हो तो उसका होता है जीरो, हाँ है ना। तो देखो हम लिखे हैं कि वी स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट ए, देन उसके बाद में बी से स्टार्ट कर रहे हैं, देन पॉइंट बी, देन पॉइंट सी, फिर हम सी से स्टार्ट कर रहे हैं, एंड फाइनली वी रीच एट पॉइंट ए। सो ए बी वैक्टर प्लस में बी सी वैक्टर प्लस में सी ए वैक्टर इज इक्वल टू ए ए वैक्टर इज इक्वल टू जीरो, ऐसे चले हम वापस ए भी पहुंच गए हम। तो इसको मैं लिख सकता हूँ, देखो ए बी वैक्टर प्लस में
बी सी वैक्टर प्लस में सी ए वैक्टर इज इक्वल टू ज़ीरो, तो कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं है कि ए से चले और वापस ए पे पहुंच गया। तो ये सेकंड केस आया कि नहीं सुन तो आपको? अब ये था ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन, वेक्टर एडिशन, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कौन सा, पैरेललोग्राम वाला, ठीक है, और सेम इसी तरीके का है वो, ठीक है। तो देखो पढ़ते हैं उसको, लिख लेगा अपने इतना। अब सेकंड हेडिंग डाल लो आप, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। सेकंड है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, वो ये लेट ए वेक्टर एंड बी वेक्टर बी एनी टू वेक्टर, ठीक है। तो अब ये कोई ए वेक्टर है और ये कोई ए वेक्टर है और ये कोई बी वेक्टर है। बाय यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ फ्री वेक्टर। अब देखो हम क्या कर सकते हैं, वहां पे हमने ए से बी, ठीक है, ए बी वेक्टर, ये वेक्टर है। अब हमने वहां से बी पे बनाया था इसको, बी वेक्टर को। अब हम क्या कर रहे हैं, ये बना रहे हैं बी वेक्टर ए डी, ठीक है। और हमें पहुंचना कहां पे है, सी वेक्टर पे, सी पॉइंट पे, ठीक है। तो बताओ मैं ए डी के इक्वल ये बी सी होगा नहीं होगा, बताओ बी सी होगा नहीं होगा, बताओ। एडी के इक्वल होगा नहीं होगा, बताओ बीसी। एडी एडी के इक्वल नहीं होगा क्या, बीसी पैरेललोग्राम है ना, तो ए, हाँ ये सी यहाँ पे, ये और डी यहाँ पे, एडी और ये बीसी सेम है कि नहीं, बताओ। और बताओ डी से चलेंगे हम सी तक, डायरेक्शन भी दिखा देना आप इनकी। और ये अभी बताओ कि ये ए वेक्टर, तो ये भी ए वेक्टर होगा नहीं होगा, बताओ डी सी। अब देखो जो फर्स्ट केस है, पहला केस, और इसमें दो केस है कि आप ए से बी तक गए फिर बी से सी तक गए, और दूसरा केस क्या है यहाँ पे, ए से डी तक गए फिर डी से सी तक गए, दूसरा केस ये है। अब देखो इन फर्स्ट केस पहले केस में क्या, देखो वी स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट ए देन पॉइंट बी एंड फाइनली रीच एट पॉइंट सी, सो टोटल डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू ए बी वैक्टर प्लस में बी सी वैक्टर, ये इक्वेशन नंबर वन। एंड अब देखो इसी केस में क्या हो रहा है कि ए से हम डायरेक्ट सी पे पहुंच रहे हैं, एंड नाउ वी स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट ए एंड रीच एट पॉइंट सी, सो डिस्प्लेसमेंट कितनी है,
डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू ए सी वैक्टर, ये इक्वेशन नंबर टू, ठीक है। बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट एंड सेकेंड ए सी वैक्टर इज इक्वल टू क्या रहा है, ए बी वैक्टर प्लस में बी सी वैक्टर, ये इक्वेशन नंबर थर्ड मान लो उसको, ठीक है। अब सेकेंड केस में देखो, पहले केस में समझ आएगा आपको, बताओ पहले केस में। बात ये कि आप कहीं से भी चलो, लास्ट पहुंचना आपको सी पे है, तो डिस्प्लेसमेंट तो क्या होगी, सेम होगी ना। इन सेकेंड केस, इन सेकेंड केस वी स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट ए, देन पॉइंट डी एंड फाइनली रीच एट पॉइंट सी। सो टोटल डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए डी वैक्टर प्लस में डी सी वैक्टर, और ये इक्वेशन नंबर फोर हो गई। अब बताओ इक्वेशन नंबर टू और फोर इक्वल है कि नहीं है, टू और फोर इक्वल है कि नहीं, बताओ टू और फोर, क्योंकि ए से चलेंगे हम सी तक ना। बाय इक्वेशन सेकंड एंड फोर हम क्या बता सकते हैं कि ए डी वैक्टर प्लस में डी सी वैक्टर इज इक्वल टू क्या रहा है, ए सी वैक्टर आ रहा है, ठीक है। तो देख लो, ए से चलेंगे बी तक, बी से चलेंगे सी तक, वो भी किसके इक्वल है, ए सी वैक्टर के इक्वल है, और अगर हम ए से चले डी तक और डी से चले सी तक, वो भी क्या है, ए सी वैक्टर के इक्वल है। तो बस यही क्या था आपका, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वैक्टर एडिशन, आएगा समझ में आपको। ठीक है, तो एडिशन ऑफ ए वैक्टर में ये दो लॉज थे, पहला था ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन और सेकंड था पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, इनका हमने ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन है उसको समझा हमने, ठीक है।